ये कहानी एक नवजात शिशु को लेकर जिसे जन्म देने वाली माँ है लेकिन उसके पिता की कोई पहचान नहीं है। बच्चे का जन्म तो हो गया लेकिन समाज में उस बच्चे का कोई स्थान नहीं है और इस वजह से आसपास कुछ ऐसे दलाल घूमते हैं जो ऐसे बच्चे को ले जाकर अनजान अजनबियों को लाखों रुपए में बेच देते हैं। इसी कारण फिल्म का नाम ब्रोकर रखा गया है जिसका मतलब है दलाल। 2022 की ब्रोकर मूवी, डायरेक्टर मशहूर हीरो काजू कोरिडा, IMDb रेटिंग 7.2। पूरी कहानी सुने, पसंद आई तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट भी करें दोस्तों। मैं इस तरह की अलग अलग खूबसूरत कहानियाँ आपको सुनाती रहती हूँ लेकिन कुछ दोस्त अभी भी ऐसे हैं जो कहानी तो सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अब की बार सब्सक्राइब भी पक्के से करते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी में। तेज बरसात की रात से कहानी शुरू हुई। एक महिला पूरे कपड़ों से ढकी हुई तेज बारिश में चलकर एक चर्च के पास आई। उसने कसकर हाथ में कुछ पकड़े रखा है, फिर उसने चर्च के बाहर बने एक बॉक्स के नीचे वो चीज रखी जो कि एक नवजात बच्चा है। किसी कारण से वो उसे यहाँ छोड़कर जा रही है। जाने से पहले उसने बच्चे को जी भर कर एक नजर देखा क्योंकि वो उसी का ही बच्चा है। उस महिला का नाम सोयोंग है। चर्च के बाहर एक बेबी बॉक्स बना है ऐसे बच्चों के लिए जिसका इस दुनिया में अब कोई नहीं। माँ बाप के होते हुए भी ये अनाथ आश्रम में पलते हैं, बड़े होते हैं। अब क्यों सोयोंग ने बच्चे को चर्च के बेबी बॉक्स में ना रख कर नीचे रखा है, ये कहानी के मध्य में आप जानेंगे। अब यहाँ सब कुछ दूर एक गाड़ी में बैठी दो औरतें बड़े ध्यान से देख रही है। दरअसल ये दोनों औरतें डिटेक्टिव सुजिन और ली है जो ऐसे ही बच्चे के गैरकानूनी खरीद और बेच वाले को रंगे हाथों पकड़ते हैं। बच्चे को यूँ बाहर पड़ा देख सुजिन ने बच्चे को बेबी बॉक्स में रख दिया जिसे बच्चा किसी गलत हाथों में ना पड़ के चर्च के लोगों को मिले। दूसरी तरफ दो दलाल तेजी से उसी चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ बच्चे को बॉक्स में रखने के बाद उसका दिल भी उस छोटे से बच्चे के लिए रो पड़ा। अब हम देखते हैं कि वो बच्चा अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि उन्हीं दो दलाल सांग और डोंग के पास है। वो उस बच्चे को ले पाने में सफल हो पाए सिर्फ कुछ पैसों के लालच में वहाँ काम कर रहे चर्च के कर्मचारी की मदद से। अब डोंग चुपके से खिड़की से बाहर चारों तरफ अच्छे से नजर घुमा रहा है कि किसी ने उन्हें ये सब करते देखा या नहीं। इधर सांग को उस बच्चे के पास एक पर्चा मिला जिसमें बच्चे का नाम और लिखा है कि उसकी माँ उसे जल्द लेने आएगी, लेकिन इसके अलावा वहाँ कोई भी ठिकाना या फोन नंबर कुछ भी नहीं लिखा है। उन्हें लगा कि ऐसे पर्चे तो हजारों लोग लेकर छोड़ जाते हैं लेकिन एक बार छोड़ चुके बच्चे को कोई कभी वापस लेने नहीं आता। उन्होंने वो पर्चा फेंक दिया। इसके बाद बेबी बॉक्स में रखे उस बच्चे की सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया ताकि किसी के पास इसका सबूत ना रहे और फिर बच्चे को लेकर वो वहाँ से निकल गए। अब दोनों इस बच्चे को काले बाजारी में बेचने का प्लान बनाते हैं जहाँ बोली की कोई हद नहीं होती। यहाँ मास्टरमाइंड सांग होता है लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन पे वही दो डिटेक्टिव नजर रख रही है। अगली सुबह सोयोंग उसी चर्च के अनाथ आश्रम में दोबारा आई जहाँ वो अपने बच्चे को रख कर गई थी। वो अपने बच्चे को ढूंढने आई है। स्टाफ ने उसे बताया कि कल तो यहाँ किसी भी बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं है और अगर आपने बच्चे को बेबी बॉक्स में रखा होता तो हमें जरूर पता चलता। अब उन्हीं दलालों में से एक डोंग उसी चर्च का ही कर्मचारी है। फिर भी सोयोंग अपने बच्चे को यहाँ ढूंढती है पर कहीं भी उसे अपना बच्चा नहीं दिखा। डोंग ने भी उसे झूठ कहा कि उसने किसी नए बच्चे को नहीं देखा और उसे मना लिया कि यहाँ पे उसका बच्चा नहीं है। अब सोयोंग के वहां से जाने के बाद डोंग ने उसका पीछा किया। उसे डर है कि कहीं वो पुलिस में ना खबर करते। उसने उसे सांग की दुकान पे मिलने को कहा। आखिर में सोयोंग उन्हीं दो दलालों के सामने बैठी है। वो सोयोंग को इस तरह अपना बच्चा छोड़कर जाने के लिए पहले तो बहुत ही बुरा भला कहने लगे। सोयोंग और दलालों के बीच काफी बातें-बातें से माहौल गर्म हो गया। फिर सोयोंग बोली, मैंने बच्चे के साथ एक पर्चा भी छोड़ा था कि मैं दोबारा आऊंगी। सैंग को भी अच्छे से पता है कि ये चीजें बच्चे को आगे गैर कानूनी तरीके से बेचने में दिक्कत ला सकता है क्योंकि बच्चे की माँ ने साफ लिखा था कि वो दोबारा उसे लेने आएगी। फिर सांग ने उसे समझाया कि वो बस इस बच्चे के लिए एक अच्छा माँ बाप ढूंढ रहे हैं जो उसे प्यार से पाले पोसे। सोयोंग को उन पर विश्वास नहीं हुआ और उसने पुलिस को बताने की धमकी दी। तब सांग ने अपना प्लान उसे बता दिया कि काले बाजारी में लड़के बच्चे की कीमत लगभग करोड़ों में है, इसे बेचकर पैसे हम तीनों भाग कर लेंगे। अब जाकर सोयोंग उनकी बात मानी
और उनके प्लान में शामिल हो गई। लेकिन सोयोंग ने एक शर्त रखी कि वो जिसे भी बच्चे को बेचेंगे वो उसे अपने ही संतान की तरह उसका लालन पालन करे। और इसी से हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही वो जितना भी बच्चे को नहीं अपनाना चाहती, लेकिन एक माँ होने की करुणा उसके अंदर छुपी हुई है जिसे एक माँ कभी अनदेखा नहीं कर सकती। समाज ने ही उसे इतना क्रूर बना दिया है कि अपना बच्चा ही उसे एक मुसीबत से ज्यादा कुछ नहीं लगता। अब यहाँ सांग निकलने की तैयारी कर रहा है, इतने में ताइहो नाम का एक गुंडा अपने पैसे लेने उसकी दुकान में घुस गया, जो उन्होंने सांग को उसके जुए खेलने की उधारी दी थी। सांग ने उसे अगले हफ्ते तक का वक्त मांगा। अब तीनों लोग, जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, खरीदार ढूंढने एक लंबे सफर पर निकल पड़े। इधर डिटेक्टिव इसी मौके की तलाश में है कि कब वो बच्चे को बेचेंगे और वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। वो भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। अब दलाल एक खरीदार को बच्चा दिखाता है, पर बच्चे के कम सुंदर होने की वजह से वो बताए दाम से आधा दाम ही देंगे। जब सैंग ने कहा कि बात तो इससे ज्यादा पैसों की हुई थी, तो वो बच्चे के बहुत सारे नुक्स निकालने लगे। अब तक पीछे चुपचाप खड़ी सोयोंग को गुस्सा आ गया और वो उनपे गाली गलौज करने लगी, जिससे खरीदार वहां से भाग गए। डिटेक्टिव उनकी सारी हरकतों पे बराबर से नजर रख रही है। यहाँ दूसरी तरफ किसी होटल में एक आदमी का खून हुआ है। छानबीन के बाद पुलिस ने पता लगाया कि मुजरिम एक महिला है। इधर सोयोंग के उस खरीदार को भगा देने के बाद वो तीनों एक अनाथालय में पहुंचे, जहां डोंग बड़ा हुआ है। वहां के बच्चे डोंग को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें भी डोंग की तरह ही बनना है। आश्रम की मैडम ने जब उस नवजात बच्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बता दिया कि इस बच्चे के माँ बाप है। यहाँ सांग और डोंग बच्चे को बहुत प्यार और जतन कर रहे हैं, लेकिन एक माँ होने के नाते सोयोंग उतना नहीं करती, क्योंकि उसके हिसाब से जिस बच्चे का कोई बाप नहीं है, वैसे को बड़ा करके क्या फायदा है। अब डोंग यहाँ अपने पिताई दिनों को याद कर रहा है और इधर सांग और सोयोंग दूसरा खरीदार ढूंढ रहे हैं। तभी सांग को बच्चे को प्यार करता देख वही अनाथ आश्रम में रहता एक छोटा बच्चा हान ने आकर कहा, मुझे भी गोद ले ले ताकि मुझे भी ऐसा प्यार और जतन करने वाला कोई मिले। लेकिन सांग की ऐसी हालत नहीं है कि वो उसे पाल सके। अब सांग ने एक बार के लिए सोयोंग से बच्चे के पिता के बारे में पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात में खाना खाते वक्त अनाथालय की मैडम बोली, हाल फिलहाल में यहाँ से एक बच्चे को गोद लिया गया था, लेकिन फिर जब उनके खुद के बच्चे हुए तो वो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। ये सुनकर सोयोंग को अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। वो अपने बच्चे को उठाकर गाड़ी में आ गई और उसे लोरी सुनाने लगी। इधर डिटेक्टिव सूजिन भी उनके गाड़ी में GPS ट्रैकर लगा रही होती है। उसने भी सोयोंग को लोरी गाते हुए सुना। रात में डोंग और सोयोंग में थोड़ी कहासुनी हो गई। डोंग सोयोंग से इस तरह बच्चे को छोड़ देने के लिए गुस्सा है। उसे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो अपने बच्चे को ये कहकर छोड़ देते हैं कि वो उन्हें लेने दोबारा आएंगे, पर असल में कभी कोई नहीं आता। सोयोंग ने भी गुस्से में कहा, तुम भी तो अनाथ आश्रम में पले बड़े, लेकिन जिंदगी में तो तुम भी कुछ नहीं कर पाए। डोंग वहां से चला गया। तब सांग ने बताया कि डोंग की माँ बाबा ने भी खत के साथ उसे यहाँ छोड़कर गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। अगले सुबह सोयोंग डोंग से रात के लिए माफी मांगती है। दूसरी तरफ उस खून हुए आदमी जिसका नाम सान है, उसकी लाश के सामने उसकी बीवी खड़ी है, जहाँ वो अपने पति के हाथ के छाप से उसका फोन लॉक खोलती है ताकि वो मौत का कारण जान सके। फोन चेक करते हुए उसे कॉल लिस्ट में एक नंबर काफी बार दिखता है, जिसे उसके पति ने बहुत बार कॉल किया है। अब यहाँ पुलिस छानबीन करते हुए एक वैश्यालय पहुंची और वहां के हेड से एक लड़की के बारे में पूछा, क्या तुमने इसे कहीं बेचा तो नहीं? पर वो इस तरह से जताती है कि यहाँ जितनी भी लड़कियां रहती है वो सभी उसकी बेटी जैसी है। पुलिस वहां पे और भी लड़कियों से पूछताछ करती है, लेकिन डर से कोई कुछ नहीं कहता और पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। एक बार फिर से तीनों खरीदार की खोज पर निकल पड़े। उन्हें एक नए खरीदार का पता चला है जो कि उन्हें बाजार से भी ज्यादा दाम देगा, लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि उस खरीदार को ठीक डिटेक्टिव सूजिन ने किया है उन्हें रंगे हाथों पकड़ने। तभी अचानक उन्हें गाड़ी के अंदर से कुछ आवाजें आई। जब गाड़ी रोककर देखा तो वही छोटा बच्चा हान भी उनके साथ साथ आ गया है और उसे भी उनके प्लान के बारे में सब पता है। मजबूरन उन्हें हान को अपने साथ रखना पड़ा। अब यहाँ सूजिन भाड़े पे ठीक गए अभिनेता को दलालों से कैसे बात करना है, क्या बात करना है समझा रही है, लेकिन याद करने के बाद भी वो बार बार चीजें भूल जा रहे हैं। इसके बाद बच्चे को लेकर डोंग सहित सभी पहुंचे। बच्चा उन्हें सौंपने से पहले डोंग ने उनसे कुछ सवाल किए, मगर उनके जवाब उन्हें कुछ ठीक नहीं लगे
और उन पर शक होने की वजह से वो बच्चा लेकर वापस चले गए। सांग और डोंग के साथ ये पहले भी हुआ है। उन्हें लगा कि बच्चा लेकर कहीं वो और ज्यादा दाम में दूसरी जगह ना बेच दे, क्योंकि भले ही सांग और डोंग बच्चा बेच रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे परिवार को जो सच में बच्चा को अपनाए, उसका ध्यान रखे एक माँ बाप बनकर। इस तरह डिटेक्टिव सुजिन का ये प्लान तो फेल हो गया। एक दिन सोयुंग ग्रोसरी शॉप में सामान खरीद रही है, तभी उसे कॉल आया। तुम्हें मैंने बच्चा गिराने के लिए बहुत पैसे दिए थे, लेकिन उल्टा तुमने बच्चे को जन्म दे दिया। अब मुझे तुम्हारा ये बच्चा चाहिए। कौन था फोन पर और क्यों उसे ऐसी धमकी दी? जब वो घर आए तो देखा सभी मिलकर नए खरीदार की बात कर रहे हैं। इतने में बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तुरंत सभी बच्चे को लेकर अस्पताल आए। डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, बस सर्दी जुकाम हुआ है। मानो ऐसा लग रहा है कि सभी को इस बच्चे से एक लगाव, माया हो गया है। डोंग और सोयुंग बच्चे के माँ बाप बनने का नाटक करते हैं। अब यहाँ मरे आदमी सान की बीवी भाड़े पे गुंडे को एक महिला की तस्वीर दिखाकर कहती है, ये महिला एक बच्चे के साथ भाग गई है और मुझे ये बच्चा किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि इस बच्चे का बाप ही मेरा पति है। तो दोस्तों, सोयुंग को जिसका कॉल आया था वो सान की ही बीवी थी, जिसके पति सान के साथ सोयुंग का अवैध संबंध था और ये बच्चा उन्हीं का है। अब वो अपने पति के मौत का बदला उस बच्चे को मारकर लेना चाहती है। इधर सांग लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए आया है कि तभी उसे एक फोन कॉल आया कि बच्चे का बाप जिंदा है और वो बच्चे को अच्छे दाम देने को तैयार है। ये सुनते ही सांग तो बहुत खुश हो गया। अब डिटेक्टिव सुजिन सोयुंग का नंबर निकालकर उसे मिलने को बुलाती है। सोयुंग उसे मिलने पहुंची। डिटेक्टिव ने सवाल करना शुरू किया, क्यों तुम इस बच्चे को बेचना चाहती हो और क्यों तुमने इस बच्चे के पिता को मारा? सोयुंग ने जवाब में कहा, जो तुमसे तुच्छ और नीच जैसा व्यवहार करे, घर पर बीवी होने के बाद भी बाहर लड़कियों से मन बहलाए, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसकी बातें सुन कुछ देर के लिए सुजिन चुप हो गई। दरअसल सोयुंग एक वैश्या है और खून के छानबीन में पुलिस जिसे ढूंढ रही है वो मुजरिम सोयुंग ही है, इसीलिए वो वैश्याखाने भी गए थे और ये बात डिटेक्टिव को पुलिस ऑफिसर ने पहले ही इत्तला कर दी थी। अब सुजिन ने पूछा, अगर ऐसा ही था तो क्यों तुमने इस बच्चे को जन्म दिया? सोयुंग गुस्से में बोली, जिस बच्चे का कोई पिता नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, उसे अपने गर्भ में यूं बेनाम मौत देने से अच्छा इस दुनिया में उसे पैदा कर उसे एक पिता का परिचय देना चाहती थी, जिससे उसकी जिंदगी मेरी तरह किसी अनाथ आश्रम में ना कटे। इसीलिए उसने उस दिन जानबूझकर बच्चे को बेबी बॉक्स में ना रखकर बाहर रखा था, ताकि वो दलालों के हाथों में ही पड़े और उसका बच्चा किसी के घर में पले पड़े। वो जानबूझकर बच्चे को ढूंढने के बहाने दोबारा चर्च में नाटक करने भी गई थी, जिससे पुलिस को उस पर कोई शक ना हो। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। एक तरह से उसने ही अपने बच्चे को उन दलालों के हाथों में दिया था। अब वापस घर आकर सोयुंग ने सांग और डोंग को अपना असली नाम और परिचय बताया और ये भी कहा कि उसे ने अपने बच्चे के पिता को बड़ी बहरीमी से खून किया है। सोयुंग की बात ने दोनों को ही अचंभे में डाल दिया और फिर वो बात करने अपनी गाड़ी में आए। तभी उन्हें गाड़ी में वही GPS ट्रैकर मिला। उन्हें समझ आ गया कि डिटेक्टिव की नज़र उन पर पल पल की है। उन्हें शक है कहीं सोयुंग तो पुलिस के साथ नहीं मिली है उन्हें पकड़वाने के लिए। उन्होंने वो मशीन फेंक दिया। अब वो बच्चों को लेकर उसी खरीदार के पास पहुंचे जो खुद को बच्चे का बाप कहता है। तभी उन्हें ख्याल आया कि कल सोयुंग ने खुद कबूल किया है कि उसने खुद बच्चे के पिता को मारा है, तो फिर उसका पिता कैसे जिंदा रह सकता है? उस खरीदार पे शक होने पे वो बच्चा देने को राजी नहीं होते और फिर दोनों में लड़ाई हो गई। डोंग ने उसे मारकर उसे बेहोश कर वहां से भाग गए। इधर सुजिन कल रात से उनका लोकेशन नहीं ट्रैक कर पा रही। वो सोच रही है कि अभी वो लोग कहाँ होंगे और कैसे उन तक पहुंचा जाए। अब इधर डोंग सहित सभी बच्चे को लेकर किसी दंपत्ति के पास आए जिसे वो पहले से जानते हैं और वो सही मायने में बच्चे को गोद भी लेना चाहते हैं। सब कुछ ठीक हो जाने पे बच्चा को उस महिला को देते वक्त वो रो पड़ा, तो तुरंत वो महिला उसे अपना दूध पिलाने ले गई। उस महिला का अभी अभी बच्चा हुआ था, लेकिन वो मरा निकला। यहाँ अपने बच्चे को कोई दूसरी महिला का दूध पिलाना देख सोयुंग की मातृ ममता जाग उठी और वो कुछ देर तक उसे निशब्द खड़ी देखती रही। इसके बाद उस दंपत्ति ने बच्चे को गोद लेने से पहले एक शर्त रखी कि बच्चा लेने के बाद उसकी असली माँ कभी अपने बच्चे से नहीं मिल सकेगी, यही उनकी आखिरी मुलाकात होगी। ऐसी कठिन शर्त पे
सोयोंग राजी नहीं हुई और फिर वो वापस लौट आए। अब इसके बाद वो सभी एक पार्क घूमने गए, थोड़े खुशी के पल गुजारने। दूर से देखकर वो एक सुखी परिवार जैसे लग रहे हैं। अजीब बात है ना, इस परिवार में 3 अनाथ है और सांग, जिसकी तलाकशुदा पत्नी है और एक बेटी है जो अपने बाबा से कभी दोबारा नहीं मिलना चाहती, और सोयोंग बच्चे के पिता की खूनी होकर बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती है। ये 5 अभागे लोग आज एक ही धागे में मानो बंध गए हैं, और जिस धागे में वो बंधे हैं वो एक अबोध मासूम बच्चा। अब रात में सबूतों के अभाव में उन दलालों को ना पकड़ पाने से डिटेक्टिव सुजिन फिर से सोयोंग को मिलने बुलाती है। सबके सो जाने के बाद वो बाहर निकले। सुजिन ने सोयोंग को एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव ये है कि अगर वो खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करती है तो उसे अपना बच्चा बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसकी सजा कम करके उसके बच्चे को खुद अपने पास रखेगी और 3 साल की सजा काटने के बाद वो अपने बच्चे के पास लौट सकती है। नहीं तो उसका बच्चा किसी और को मिल जाएगा, और वो जिसे भी अपने बच्चे को बेचेगी शायद वो अच्छा इंसान नहीं भी हो सकता है। सोयोंग के मन में डर बैठ गया। अब इधर कमरे में सोयोंग के ना होने पे सांग और डोंग को शक होता है कि वो जरूर पुलिस के पास गई है, कभी भी पकड़े जा सकते हैं। सोचकर दिन निकलने से पहले ही उसी रात दोनों निकल पड़े उसी दंपत्ति के पास बच्चे को बेचने के लिए। तभी वही गुंडा ताईहो दोबारा उनके रास्ते में आ गया। सांग ताईहो को रोककर डोंग को वहां से जाने को कहता है। अब सांग ने ताईहो को कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ इस काम में पार्टनर बन सकते हो, क्योंकि डोंग अब ये काम नहीं करना चाहता। इधर डोंग बच्चे को लेकर उसी दंपत्ति के पास आया, लेकिन तभी वहां सुजिन फोर्स के साथ डोंग को गिरफ्तार करने पहुंच गई। सांग के बारे में पूछने पे डोंग ने कहा कि उसे कुछ नहीं मालूम। फिर डोंग ने सोयोंग के बारे में पूछा तो सुजिन ने उसे बता दिया कि उसने आत्मसमर्पण कर लिया है। अब यह न्यूज में खबर आ रही है कि ताईहो नाम के गुंडे को मारने के जुर्म में पुलिस सांग को तलाश रही है, और उस दिन के बाद से सांग कहीं लापता हो गया, कोई उसे नहीं ढूंढ पाया। 3 साल गुजर गए। डिटेक्टिव सोजिन सोयोंग को खत लिखा करती है। वो बच्चा सोयोंग के पास ही इतने समय से उसकी संतान बनकर पल रहा है, क्योंकि उसने सोयोंग से वादा किया था कि वो उसे अपनी छाया में पालेगी। यहाँ सोयोंग जेल की सजा पूरी कर खुद के पैरों पर खड़ी हो रही है। खत में सोजिन ने यह भी बताया कि सांग का कोई अता पता नहीं है, लेकिन डोंग और हान के साथ उसका अभी भी संपर्क है। आज सोयोंग बहुत खुश है, क्योंकि इतने सालों बाद आज वो अपने बच्चे से मिलने वाली है। आज वो अपने बच्चे को खुद के पास लौटा पाएगी, उसका बच्चा उसके पास होगा, और ये खुशी एकमात्र एक माँ ही समझ सकती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। एक माँ जैसे अपने मातृत्व स्नेह को खुद से अलग नहीं कर सकती, ठीक वैसे ही दुनिया की सारी खुशियाँ दे देने के बाद भी एक माँ कभी अपने संतान को छोड़कर कभी नहीं रह सकती। इसी के साथ मैं ये कहानी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।